हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। सो यहाँ फ्रेंड्स, हम देखने वाले एक इम्पॉर्टेंट सर्विस के बारे में जिसका टाइटल है डेट एंड टाइम। बिल्कुल फ्रेंड्स, यहाँ देखने वाले एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट कि डेट एंड टाइम सर्विस को कैसे लोड करें, कैसे यूज़ करें, कौन कौन से मैथड्स हैं और ये कितना इंपॉर्टेंट है। सो सारे के सारे कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो उससे पहले मैं एक बात बता दूं आपको, ये जो सर्विस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार सही तरीके से आपने सीख लिया तो सीख लेने के बाद सारे के सारे मैथड्स को आप ईजी तरीके से यूज़ कर पाओगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे प्यार और चैनल को सपोर्ट मिलता है। तो यहाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने के पहले चलते हैं इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में। क्लिक ऑन डाउनलोड बटन, देन जाएंगे इस फोर्थ वर्जन में, क्लिक ऑन यूजर गाइड, देन स्क्रॉल करेंगे ऑन लाइब्रेरी रेफरेंस, हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ जाएंगे इस लिस्ट में, क्लिक ऑन टाइम्स एंड डेट्स, तो हम देख पाएंगे हमारे पास एक वेल डॉक्यूमेंटेशन है ऑफ दिस सर्विस। यहाँ हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट है ऑफ ऑल मैथड्स, ऑल फंक्शंस विद एग्जाम्पल्स। सो ये काफ़ी नीट एंड क्लीन डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ फ्रेंड्स एक बार सही तरीके से आपने फॉलो करना सीख लिया, आप इनके हर मैथड को अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट आप यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ इस वीडियो में हम कुछ मैथड्स को यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो जाए हम इनके मैथड्स को यूज़ कैसे करते हैं। तो फर्स्ट, यूज़ करने का फर्स्ट रूल हम इसे कॉपी करेंगे, दिस इज़ अ यूज़ स्टेटमेंट, क्योंकि हमें इम्पोर्ट करना है एक टाइम क्लास। हम इसे कॉपी करेंगे, जाएंगे प्रोजेक्ट सेटअप में, ऐप फोल्डर, कंट्रोलर्स, होम डॉट पी एच पी। अब यहाँ इसे पेस्ट कर देते हैं, लेट्स क्रिएट अ मैथड हियर। सो टेस्ट टेस्ट, लेट्स से टाइम्स एंड डेट्स, यहाँ होने वाला है पब्लिक फंक्शन, लेट्स डिफाइन अ टेस्ट मैथड। अब मान लेते हैं हमें चाहिए अपना करेंट टाइम एंड करेंट डेट, तो यहाँ क्या करेंगे, लेट्स से टाइम इक्वल्स टू, हम यूज़ करेंगे टाइम क्लास को और इसके अंदर पास करेंगे नाउ कीवर्ड। तो सक्सेसफुली अगर हम इको करें इस वेरिएबल को, सो इको टाइम, इको टाइम, साथ ही साथ एक राउट क्रिएट कर लेते हैं, सो राउट्स डॉट पी एच पी, यहाँ जाएंगे राउट्स ऑब्जेक्ट गेट मैथड, लेट्स से टेस्ट के नाम से, और यहाँ कॉल करेंगे अपने होम कंट्रोलर क्लास और उसके अंदर जाएंगे आई थिंक टेस्ट मैथड। सो सेव कर लेते हैं, कॉपी कर लेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे और यहाँ पर आफ्टर दिस प्रोजेक्ट यूआरएल फोर स्लैश टेस्ट, तो हम देख पाएंगे वी हैव अ डेट एंड टाइम वैल्यू। बट यहाँ आप कहोगे डेट इज़ ओके, बट जो टाइम है इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि हम हैं इस वक्त इंडियन टाइम जोन में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एप्लीकेशन के टाइम जोन के बारे में, जो कि बाय डिफॉल्ट हमें एप्लीकेशन प्रोवाइड करती है, तो हम जाएंगे इस कॉन्फिग फोल्डर के अंदर, मीन्स कॉन्फिग फोल्डर के अंदर ओपन करेंगे ऐप डॉट पी एच पी, तो यहाँ मिलने वाला एप्लीकेशन का बाय डिफॉल्ट टाइम जोन, जिसके बेसिस पे हमने देखा डेट एंड टाइम वैल्यू। स्क्रॉल करेंगे तो हम देख पाएंगे इनसाइड दिस लिस्ट वी हैव कॉल UTC। अगर चेंज करना हो टाइम जोन को तो सिंपली हमारे पास एक लिंक है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद यहाँ जाएंगे, इसे पेस्ट करेंगे तो ये ओपन करके एक डॉक्यूमेंटेशन, जहाँ से देख पाएंगे ऑल अबाउट कंप्लीट टाइम जोन्स। तो यहाँ इस लिस्ट में आने के बाद टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स के अंदर हम क्लिक करेंगे एशिया, एशिया के अंदर आने के बाद अगर सर्च करें एशिया फोर स्लैश कोलकाता, तो देख पाएंगे यहाँ हमारे पास है, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ जाएंगे और चेंज कर देंगे। सो सेव करने के बाद अगर हमने वापस से इको किया अपने इस डेट एंड टाइम वैल्यू को, तो सक्सेसफुली हम देख सकते हैं हियर इज़ द डेट वैल्यू एंड हियर इज़ द टाइम वैल्यू। तो यहाँ फ्रेंड्स, यहाँ हमने एक और चीज़ देखा कि एप्लीकेशन का जो बाय डिफॉल्ट मीन्स टाइम जोन होता है, अगर चेंज करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके दूसरे मैथड्स के बारे में, चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ हम देख पाएंगे हमने यूज़ किया नाउ कीवर्ड, हियर वी हैव वन मोर कीवर्ड कॉल्ड प्लस थ्री वीक, और उससे पहले चलते हैं वापस से अपने कंट्रोलर क्लास में। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, क्या हमें हर बार मीन्स ऐसे कॉन्सेप्ट को यूज़ करने के लिए क्या हमें यूज़ करना है या क्रिएट करना है एक टाइम इंस्टेंस को? बिल्कुल नहीं, क्योंकि या तो हम इस नाउ कीवर्ड के साथ ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कॉल्ड टाइम, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड नाउ मैथड। तो सेव होने के बाद एग्जैक्ट हमारे पास सेम आउटपुट आने वाला अकॉर्डिंग टू डेट एंड अकॉर्डिंग टू टाइम वैल्यू। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। मान लेते हैं हमें चाहिए कल के डेट और टाइम के बारे में, सो हम पास करने वाले हैं यस्टरडे मैथड। सेव करेंगे, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे हमारे जो कल का डेट था वो कुछ ऐसा था। अगर बात करें टुमारो डेट के बारे में, तो यहाँ पास कर सकते हैं टुमारो मैथड, सेव होने के बाद रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे दिस इज ऑफ टुमारो डेट। तो यहाँ हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे मैथड्स हैं जो अवेलेबल है, जिनको अकॉर्डिंग टू नीड हम यूज़ कर सकते हैं अपने डेवलपमेंट में। साथ ही साथ यहाँ फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो न्यू कीवर्ड के साथ टाइम, मान लेते हैं हमें डेट चाहिए तीन हफ्ते के बाद, सो प्लस थ्री वीक, सेव होने के बाद हम रिलोड करेंगे
तो देख पाएंगे 3 हफ्ते के बाद एग्जैक्ट जो करंट टाइम है, करंट डेट है, इसके 3 हफ्ते के बाद जो होने वाला है ये होगा हमारे पास डेट और ये होने वाला है टाइम। इसी तरीके से अगर हम बात करें पार्स मैथड के बारे में, सो यहाँ होने वाला है टाइम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, हम यूज करेंगे पार्स मैथड और मान लेते हैं हमें चाहिए कि नेक्स्ट ट्यूजडे हमारे पास कौन सा डेट और कौन सा टाइम होने वाला है, सो यहाँ पास करेंगे नेक्स्ट ट्यूजडे। तो सेव होने के बाद हम ब्राउजर पे चलते हैं, रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे नेक्स्ट ट्यूजडे जो हमारे नेक्स्ट वीक में आने वाला है उसका जो डेट होगा कॉल 26 तारीख। सो इसी तरीके से हमारे पास इस डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाओगे देखोगे तो फ्रेंड्स आप पाओगे काफ़ी सारे ऐसे मैथड्स जो काफ़ी यूजफुल है हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए। तो हमने यूज़ किया पार्स मैथड, देखा हमने टूडे मैथड के बारे में, यस्टरडे मैथड के बारे में। एक और बात, मान लेते आपको रन टाइम मीन्स टाइम जो चेंज करना हो, क्योंकि यहाँ तो फ्रेंड्स हमने स्पेसिफाई किया इनसाइड दिस ऐप डॉट पीएचपी, मान लेते हैं रन टाइम या हम रोल बैक करते हैं, फर्स्ट हम इसे रोल बैक कर देते हैं यूटीसी को रोल बैक करने के बाद यहाँ पर अगर हम यूज़ करें कॉल्ड टाइम, स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर और यहाँ करने वाले हैं नाउ मैथड। तो सेव करने के बाद अगर हम इस कॉल करें तो देख पाएंगे दिस इज द डेट वैल्यू एंड दिस इज द टाइम वैल्यू अकॉर्डिंग टू टाइम जोन। अब यहाँ क्या करने वाले, डायनेमिक तरीके से हमें अपने टाइम जोन के अकॉर्डिंग टाइम चाहिए, डेट चाहिए, तो सिंपली हम जाएंगे इस मैथड के अंदर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स हम पास कर देंगे उस टाइम जोन को। तो सेव करने के बाद रिलोड करते हैं तो देख पाएंगे सक्सेसफुल तरीके से हमने उस टाइम जोन को ओवरराइड कर दिया है अपने यही इस मैथड्स के अंदर से। तो यहाँ पर ऐसे यूज कर सकते हो, या हम जाएंगे न्यू कीवर्ड के साथ टाइम यहाँ पर और यहाँ होने वाला है नाउ कीवर्ड सेकंड पैरामीटर द टाइम जोन वैल्यू। सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, वी हैव द एग्जैक्ट सेम आउटपुट। सो इसी तरीके से हमारे इस डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी कुछ ऐसा है जो हम देख सकते हैं। स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट मैथड है एंड वहाँ होने वाला हमारे पास कम्प्लीट वैल्यू है। यस इट इज, हम यहाँ इसे कॉपी कर लेते हैं पूरे के पूरे कंप्लीट लिस्ट को, कंप्लीट एग्जांपल को। यहाँ जाएंगे, इसे पेस्ट करेंगे, थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। अभी ये वर्क करने वाला अकॉर्डिंग टू दिस टाइम जोन, हम थोड़ा रिवर्ट कर लेंगे अपने मीन्स अपने करंट टाइम जोन के अकॉर्डिंग। सेव करेंगे, यहाँ जाएंगे और यहाँ पर देख पाएंगे हमारे पास एक कंप्लीट डेट एंड टाइम है, मीन्स दिया हुआ है, हमने मेंशन किया हुआ है। अब क्या करें फ्रेंड्स, ये जो हमारे पास इंस्टेंस है, इस इंस्टेंस के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम सारे मैथड्स को कॉल कर सकते हैं टू गेट ईच एंड वैल्यू। या तो हम कॉल कर सकते हैं मैथड्स को या सेम पैरामीटर्स को रीड कर सकते हैं, मीन्स सेम वैल्यूज को रीड कर सकते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट अगर इनको हम कमेंट कर दें, कमेंट करने के बाद अगर हर एक एग्जाम्पल के बाद अगर हम एक लाइन ब्रेक कर दें, जैसे कि बी आर टैग यूज करके, पी आर टैग के साथ सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, ब्राउजर पे जाने के बाद रिलोड करते तो देख पाएंगे हमारे पास यहाँ इस लिस्ट में जो है कि हमने 2016 यूज किया है, मीन्स दिस इज ईयर, मंथ गेट करना, देख पाएंगे 8th month इट मीन्स अगस्त, देन हमारे पास गेट डे, इसका मतलब जो 12 है दिस इज डे, देन होने वाला हमारे पास घंटा क्या है, यहाँ जो टाइम है उसमें घंटा कितना है, मिनट कितना है और सेकेंड कितना है। सो इसी तरीके से जो भी डेटा पास करोगे यहाँ इसके अंदर, आप पार्स करके उनको अलग अलग सेपरेट तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि इसमें मीन्स मंथ कौन सा, ईयर कौन सा, डे कौन सा, आवर क्या है, मिनट क्या है या सेकंड क्या है। तो यहाँ इसे मीन्स ब्रेक करने के लिए, सारे वैल्यूज को गेट करने के लिए या तो हम यूज कर सकते हैं इनके मैथड्स को या इनके प्रॉपर्टीज को। तो सिंपली अगर सेम इनको मैं कमेंट कर दूं, कमेंट करने के बाद सारों को मैं अनकमेंट करूंगा और यहाँ फ्रेंड्स मैं ऐड करने वाला हूँ लाइन ब्रेक आफ्टर ईच रो। सेव करेंगे, ब्राउजर पे जाएंगे, हम एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, डुप्लीकेट टैब रिलोड करेंगे तो देख पाएंगे वी हैव एग्जैक्ट सेम आउटपुट। सो यहाँ फ्रेंड्स आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला, जहाँ हमने ये देखा टाइम्स एंड डेट्स के साथ कैसे काम करें इनसाइड CI 4000 एप्लीकेशन। तो स्टेप नंबर 1, फर्स्ट हमें लोड करना है इस टाइम क्लास को। एक बार हमने लोड कर दिया तो सारे के सारे मैथड्स को हम कॉल कर सकते हैं और जो मैथड्स को कॉल करने का विद एग्जाम्पल्स हमारे इस डॉक्यूमेंटेशन में काफ़ी अच्छे तरीके से, सो अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, हम सारे मैथड्स को नीड के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट था। सो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।